हुण तुहानू पंजाब दे विच सरकारी सेहत सहूलतां दा सच दिखाउणे आ जिस दी तस्वीर मोहाली तों सामने आई है। जी हाँ, तुहानू दस दईए कि इत्थे हरी झंडी मिलण तों पहलां ही एक एंबूलेंस ने रेड सिग्नल दिखा दिता, यानी कि एंबूलेंस बंद हो गई ते धक्का लगा के समारोह वाली थां ते इस एंबूलेंस नूं पहुंचाया गया। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो किस तरह दे नाल इस एंबूलेंस नूं जिस नूं हरी झंडी दिखाणी सी सेहत मंत्री ने उस तो पहला ही यह बंद हो गई। तो धक्का लगा के समागम वाली थां के उत्ते जिथे समागम रखा गया हरी झंडी दिखाउणी सी एंबूलेंसा नूं उत्थे पहुंचाया। तकरीबन डेढ़ घंटे की मशक्कत तो बाद जो एंबूलेंस स्टार्ट हुई, सो धक्का स्टार्ट एंबूलेंस नूं सेहत मंत्री ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। सो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एंबूलेंस आ जिन्हां की हले शुरुआत ही की जा रही है, जे पहला ही उन्हां दी यह हालत होगी तो फिर जदों एमरजेंसी वेले किसी मरीज़ नूं एंबूलेंस की जरूरत पैंदी है तो उस वेले खराब हो जाए ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। हालांकि बाद दे विच जो सेहत मंत्री ने उन्होंने काफ़ी सारिया एंबूलेंसा जो है हरी झंडी दिखाई। सो ये तस्वीर तुसी देख सकते हो, एक पासे धक्का स्टार्ट एंबूलेंस है तो दूजे पासे सेहत मंत्री ने जो बाकी एंबूलेंसा सन तकरीबन 70 के करीब एंबूलेंसा जो ने उन्होंने हरी झंडी इत्थे दिखाई गई। पर उस तो पहला एक एंबूलेंस का जो हाल होया उस सब दे सामने है। सर एजेंसी लैके आए? हाँ जी सर, 2-3 किलोमीटर ही आई है।